ले आए सामान। पार्वती, आधा राशन आ पाया है, पैसे कम पड़ गए थे और लाला ने उधार देने से मना कर दिया। एक बात बताइए, ऐसा कब तक चलेगा? देखिए, एक बार कॉल कर लीजिए ना उसे। उसने करी कॉल? अरे तो क्या हो गया, बेटा है हमारा वो, मानती हूँ कि कुछ गलतियां हो गई। पर अगर हम उसे फोन कर लेंगे तो छोटे थोड़ी ना हो जाएंगे। 4 साल हो गए हैं, मैं उसका बाप हूं, क्या उसे हमारी याद नहीं आई? कर लीजिए ना एक बार फोन। मैंने कहा है ना, इस बारे में कोई बात नहीं होगी, मैं बात नहीं करूंगा। अगर तुमने कॉल करनी है तो लो करो बात। हेलो सचिन। हाँ माँ, नमस्ते। कैसे है बेटा तू? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। और आप ठीक हो ना? और आपने आज फोन कैसे किया? अरे तू तो हमें फोन करता ही नहीं, 4 साल हो गए, एक बार भी ना तू मिलने आया ना तूने कोई फोन किया। ऐसे भी क्या नाराजगी, तूने हमें याद करना बंद कर दिया। अम्मा मैं तो वही कह रहा हूँ जो पापा ने कहा था कि वापस मत आना और कॉल मत करना, तो बस। अरे तो क्या हो गया बेटा, पापा है तेरे, अगर डांट भी दिया तो तू इतना नाराज हो जाएगा? क्या इतना भी हक नहीं हमारा तेरे ऊपर कि हम तुझे डांट सके, तुझे कुछ कह सके? बात सुन, उसे बोल दे अगर वो खुद नहीं आता तो बहू और पोती को तो भेज दे। अच्छा माँ ठीक है, मैं शाम में करता हूँ कॉल, मैं अभी कहीं बिजी हूँ काम में, ठीक है? सचिन बेटा बात सुन। बाय। जब आपको उससे बात ही नहीं करनी थी तो बीच में बोलने की क्या जरूरत थी? मैं बात कर रही थी ना उससे, मान जाता वो। अगर मानना होता ना पहले मान जाता। किसका इंतजार कर रही हो? कोई कॉल नहीं आएगा उसका, सो जाओ। उसने कहा था कि वो फोन करेगा, काम में बिजी रहता है ना, हो सकता है भूल गया, पर करेगा जरूर। उसने बोला था कि वो शाम को फोन करेगा। शाम से रात हो गई है, उसने अगर कॉल करनी होती तो कर देता, सो जाओ। शर्मा जी का फोन है। शर्मा जी का फोन? रेंट के बारे में पूछ रहे होंगे, क्या कहूंगा उन्हें। जी शर्मा जी। हाँ आ जाइए शर्मा जी, आप ही का घर है, ठीक है। क्या कह रहे थे? रेंट के बारे में कह रहे थे कि 2 महीने से रेंट आया नहीं। कैसे होगा, कहां से लाएंगे हम ये पैसे? देखिए अभी भी समय है, एक बार बात कर लेते हैं ना उससे। अरे बेटा है हमारा, समझेगा हमारी परेशानी। बार बार उससे बात करने की मत बोला करो, अभी तक संभाला है ना, आगे भी संभाल लूंगा। कैसे होगा सब, उसको बोलेंगे क्या?
बस बस। अंशु बेटा, मेरा बच्चा, अरे चल चल मेरी बच्ची, अरे दे 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 मेरे बेटा। और आजा खुश रहो। आ गई माँ की याद? अरे माँ, आपको पता है मैं क्यों नहीं आता? और अभी भी गुस्सा है क्या? अरे छोड़, तू तो जानते हो उनकी आदत। आ जाओ बैठो। और बता बेटा, कैसा चल रहा है काम धंधा? हाँ माँ, सब ठीक है। क्या बात है, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, कोई गेस्ट आ रहा है क्या? हाँ, वो शर्मा जी आने वाले थे, कुछ काम था। अच्छा। पार्वती, इन्हें अंदर ले जाओ, बात करते हैं। क्यों, अंदर क्यों? यहाँ ठीक तो है, यहीं करते हैं बात। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते आंटी जी। शिशांत बेटा, तू शर्मा जी नहीं आए? हाँ अंकल, वो क्या है ना, पापा आ नहीं पाए तो मैं आ गया, और पापा ने ये, हाँ हाँ, रेंट की बात उनसे हुई थी, शाम तक करता हूँ ना कुछ। रेंट? नहीं नहीं अंकल, मैं रेंट लेने नहीं आया हूँ, मैं तो ये देने आया हूँ। आ गए डॉक्यूमेंट्स? सचिन भाई, आपने बताया नहीं क्या अंकल को? हाँ, वो बस बताने वाला था। सब हो गया ना? हाँ, सब कुछ पूरे। और ट्रांसफर हो गए सारे पैसे? हाँ, सब कुछ आ गए। ठीक है, ओके, आप जाइए, शाम को मैं मिलता हूँ आपसे, है ना? जी। सचिन बेटा, क्या है ये सब? अरे क्या बोल कर गया वो? पापा जी, वो मेरे पास भी कॉल आया था शर्मा जी का, पूछ रहे थे कि सब कुछ ठीक तो है ना घर में, 2 महीने से रेंट नहीं आया। मैंने उनसे बोला कि रेंट क्यों मांग रहे हो, घर ही दे दो। तो मेरे पास कुछ सेविंग्स थे, कुछ लोन किया और ये घर खरीद लिया। अब से ये घर आपका। घर खरीद लिया? पर क्यों, तू तो छोड़कर चला गया था ना? हाँ पापा, मैं छोड़ के गया था, पर इस घर को, आप दोनों को नहीं। तो इसीलिए ये मैंने जो भी किया है आपके लिए किया, जो कि मेरी जिम्मेदारी है। उससे मैं इतना अंधा हो गया था कि मैं भूल ही गया था कि मेरी जिम्मेदारी क्या है, आप लोग कहाँ और कैसे रह रहे हो। पर इस कॉल ने मुझे याद दिला दिया कि मैं कितना गलत था, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा था। पापा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, पर आज के बाद मैं आप दोनों का पूरा ध्यान रखूँगा, आप पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ये मेरा वादा है। और अब ये घर आपका है, आप यहाँ आराम से रहिए, बिना किसी दबाव के और बिना किसी टेंशन के, ठीक है? सचिन बेटा, तूने अपनी सेविंग लगा दी, लोन ले लिया इस घर के लिए, हमारे लिए, पर क्यों? हमारे लिए नहीं, हमारे लिए। अब से ये घर हम सबका है और हम यहाँ पे मिलके रहेंगे एक साथ।